बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी जी, तो हम पहुँच गए बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में, इसका नाम है स्वदेश वाटिका होटल, जयपुर सीकर रोड NH 52, भदाला की ठाणी फलसाना। और जब आप यहाँ पे आएंगे, बहुत ही मशहूर मंदिर है खाटू श्याम मंदिर, उसकी टर्न बिल्कुल यहाँ से अंदर जाती है, 12 किलोमीटर आगे जाके खाटू श्याम का मंदिर आता है। डिज़ाइन जो है इस जगह का बहुत ही यूनिक है, इसके बारे में आपको और बताते हैं। और जो खाना है एकदम टिपिकली राजस्थानी ढाबा का खाना, तो बहुत ही मजेदार जगह है। और मेरे दोस्त ने यहाँ पे बैठ के ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया है। हेलो, देखो पार्टनरशिप का ये बहुत जो है बड़ा एडवांटेज होता है कि आप टीम वर्क कर सकते हैं। तो रॉकी भैया आपके साथ गप्पे मारे थे, मैंने आके जो सिंपल काम था सारा खाना ऑर्डर करके सब लगवा दिया। आपको पता लगाना कि क्या क्या है आपके टेबल पर। जी हाँ, मैं ये जानता हूँ हाँ, कि मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी। कुछ लोग बोलते हैं गर्मी में छाछ पीनी चाहिए, तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाता तो मैंने छाछ ऑर्डर कर दी। वाह। कई लोग कहते हैं कि देखो जी जब तक मीठी लस्सी ना हो एकदम गाढ़ी दही वाली तो मजा नहीं आता, तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता तो मैंने लस्सी ऑर्डर कर दी। वाह। और कई लोग कहते हैं कि जब तक ठंडी कोल्ड ड्रिंक ना हो तो वो शुगरी स्वीटी मजा नहीं आता, तो मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता तो मैंने ये भी ऑर्डर कर दी। मेरे को लग रहा है कि खाने में तू भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। सर अगर आप मेरे को 5 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मेरा दिल बहुत दुखेगा, और मैं पब्लिक को बता दिया कि दिल नहीं दुखाना चाहते। 5 करोड़ मीठी लस्सी लगा ले दिल पे, अच्छी बहुत अच्छी होती है दिल के लिए। खाने के बारे में बता, खाने के बारे में इनके पास ऑलवेज होते हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो NH 52 में बिल्कुल साइड पे जो है ढाबा है, बिल्कुल ट्रेडिशनल फूड है इनका, घर टाइप का खाना प्रॉमिस किया था हमारे को। डिशेज कई सारी आपको फेमिलियर होंगी, सेव टमाटर, भिंडी मसाला, ये लहसुन फ्राई, टमाटर फ्राई, लहसुन की चटनी, टमाटर की चटनी, मेरे दिमाग में फ्राई स्टिक घूम रहे क्योंकि आप मिर्ची फ्राई और कड़ी फ्राई, कड़ी। और ये क्या है अंग्रेजों को बाहर लाने का, ये नुकसान होता है। I'm so sorry, नाम नहीं आती किसी चीज के। What do you call this green thing? टिंडा टमाटर की सब्जी, मैं नहीं खाऊंगा। और ये है दाल मखनी, मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, दाल मखनी मुंह में पानी से आ रहा है। हाँ। ये है फ्रेश कटे हुए प्याज। हाँ। सलाद है, कितना खूबसूरत है ये देखिए। अब इसके बारे में एक चीज आप नोटिस कीजिए, जो बड़े बड़े होटल होते हैं वो काफी देर पहले काट के सलाद रख देते हैं, वो सूख सा जाता है। ये जो है ना एकदम ताज़ा कट के आपके टेबल पे आता है और इसका टेस्ट आपको पता चलता है कि एकदम ताज़ा आया है। तो ढाबे की खासियत यही है कि जब आप प्याज भी उठाएंगे ढाबे वाला, तो मॉइस्चर इसके अंदर पूरा का पूरा अभी तक है क्योंकि फ्रेश कट के आया है। बड़े होटल वालों कुछ तो सीखो ढाबे वालों से। बिल्कुल पॉइंट, थैंक यू, इसकी क्या जरूरत थी। एंड ये बस ले लो एक दो। ये भी यहाँ की एक स्पेशलिटी है, इन्होंने अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है बना रखा है अपना तवा, और जो फाइनल जो रोटी का सेक होता है वो सीधा आंच पे होता है, तो बिल्कुल फूल के वो आती है। लकड़ी पे बनी हुई रोटी का मजा ही कुछ और है जी। बाजरे की रोटी बहुत पॉपुलर है, हमने तो अपनी गेहूं की रोटी मंगवाई, लेकिन ये देखिए दाल मखनी। और जब मखनी बोलते हैं राजस्थान में तो मखनी का मतलब होता है मखनी, कोई ऐसी वैसी नहीं होती। आज बहुत खास दिन है बाय द वे इस रीजन के लिए, क्योंकि आज जो खाटू श्याम जी का मंदिर है यहाँ से बिल्कुल 12 किलोमीटर अंदर, वहाँ पर फागुन का मेला लग रहा है बहुत बड़ा। तो जितने भी रोड्स हैं जो जयपुर से आ रही हैं वो सारी की सारी पे आप देखेंगे साइड में खूब सारे लोग हैं झंडे लेके खाटू श्याम जी के, म्यूजिक चल रहा है, पार्टी सी हो रही है जगह जगह पर। लोग आपको कच्ची लस्सी, छाछ, खाने की चीज़ें, रहने के लिए शेल्टर वगैरह देके रखे हुए हैं, और काफ़ी डिसिप्लिन क्राउड है, मतलब हाईवे से बिल्कुल परे होकर चल रहे हैं, ट्रैफिक फिर भी अपना निकल रहा है। इस तरह से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा मुझे इतराज है नहीं, बहुत अच्छा है। और कलर और लाइफ और खुशी, मतलब हर एक आदमी के चेहरे पे, औरत के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे खुशी और हंसी, ये होता है फेस्टिवल असली। अच्छा लगा कुछ? मेरा तो यहाँ पे पूरा फेस्टिवल हो रहा है। अगर आप सिर्फ ऐसे करके देखेंगे ये जो डार्क कलर्स हैं स्पाइसेस के, तो आप सोचेंगे इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस तो नहीं डल गया, लेकिन बिल्कुल फ्लेवरसम होम वाला टेस्ट है। मैं तो सिर्फ अगर रोटी और लहसुन की चटनी खानी पड़े उसी से भी मैं तृप्त हो जाऊँ, लेकिन इतनी सारी चीजें आ गई तो थोड़ा खा लेती। दाल जो है इसमें चने की दाल भी है और एक और दाल है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फ्लेवर इसका, पंची, बिल्कुल टिपिकल राजस्थानी तो दाल बनाई गई है, स्पाइसेस उसके अंदर अच्छे डाले गए हैं। बाइट लेते ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि दाल और रोटी से अच्छा मेरे लिए तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत चिकन अभी मिल जाए कभी कभी तो अभी चल जाता है, लेकिन राजस्थान के जो ट्रेडिशनल ढाबे हाईवे पे ढाबे हैं जैसे कि ये वाला है, उन पर ये दाल और रोटी बहुत ही ज़रूरी है, साथ में प्याज और मिर्ची। लेकिन अब ये थोड़े एडवांस्ड हो गए हैं, अगर आप डिज़ाइन देखें तो बहुत ही ओपन विंडो, ब्राइट लाइट, नेचुरल लाइट अंदर आ रही है,
फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन है, साफ और सुथरी, और ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है राजस्थान में। पिछले 10 साल में सफाई, साफ सफाई बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। सो दैट इज़ अ स्पेशल थिंग। पर खाने के बारे में बताइए, लहसुन की चटनी फुल ज़बरदस्त। लहसुन का मतलब लहसुन, लहसुन डाला है, लहसुन ऐसा वैसा नहीं है, फ्राई करके बनाया गया है मिर्ची के साथ। ओह हो, बड़ा ब्यूटीफुल टेस्ट। टमाटर की चटनी दूसरी और बहुत अच्छी, थोड़ी ज़्यादा मीठी लहसुन के कंपैरिजन में। लेकिन सब मसाले और मिर्ची डालने के बाद खाने के साथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या अच्छा लगा भाई साहब? भिंडी मसाला, भिंडी वैसी हमारी बहुत फेवरेट डिश है। और यहाँ पे जो है मतलब बिल्कुल परफेक्टली कुक, अनियन उसमें थोड़ा सा मीठा है, मसाले उसमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। एंड सेकेंडली जो ये जो फ्राई है, करी नहीं कढ़ी, जो फ्राइड कढ़ी है वो बहुत टेस्टी है। इसमें भी थोड़ी लाल मिर्ची का बाइट आ रहा है। नहीं यहाँ पे मेरे को सब कुछ अच्छा लगता है, एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, टिंडा नहीं खाऊंगा। बहुत अच्छा यार, मतलब 40 साल से मेरी फैमिली में कोई मुझे टिंडा नहीं खिला पाया। टिंडा टमाटर है और बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है ना लाइफ थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि खेत तो है लेकिन खेतों में पानी नहीं है। तो बाजरे की फसल लगती है गर्मियों के शुरू होने में, मतलब अभी मार्च अप्रैल में जैसे ही गर्मी शुरू होगी बाजरे की फसल लग जाएगी, और फिर जून जुलाई अगस्त में ये फसल कट भी जाती है। उसके बाद और कोई फसल रेगुलर नहीं उगती यहाँ पर। आप देखेंगे कुछ लोगों ने गेहूँ उगाई हुई है लेकिन उनके पास पानी की सुविधा है, कई लोगों के पास नहीं है, तो ये जगह उस टाइम बंजर रहती है। इसलिए आप देखेंगे रेस्टोरेंट्स वगैरह खोलना काफ़ी लोगों का सेकेंडरी बिजनेस है, जो अब प्राइमरी बिजनेस बन चुका है। जैसे कि मोहन सिंह जी जो ये जगह चलाते हैं, उनके फादर मोहन सिंह जी ने ये जगह शुरू की थी, और घर जैसा खाना, बिल्कुल घर जैसा दिया। एंड उन्होंने बेसिकली उन्होंने जो है मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से उन्होंने मूव किया है। तो अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं, ब्राइट है, खुला है, हवा की सर्कुलेशन है, आप बैठ सकते हैं। लेकिन अंदर आपका थोड़ा और कम्फर्ट चाहिए तो अंदर एसी डाइनिंग हॉल भी है, जो आप अपनी फैमिली को ला कर शांति में थोड़ी ठंडक में बैठ सकते हैं। मैंने रॉकी भैया को उसके बारे में अभी बताया नहीं क्योंकि हमारे को अंदर बैठना पड़ता, मेरे को बाहर बड़ा मज़ा आ रहा है। यानी अभी बहुत अच्छा मौसम है, इस टाइम मार्च में आप राजस्थान में आए, बहुत खूबसूरत मौसम मिलेगा। छाँव में हवा चलती है, बड़ा ही मीठी मीठी हवा है, हल्की, जो आप यहाँ पे आके उसको अपने फेफड़ों में एक बार भरेंगे तो आपको पता चलेगा हल्की हवा का क्या मतलब होता है। लेकिन खाना भी एकदम हल्का, जयपुर का रिच फूड था तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन ढाबे पे आके ढाबे वाला खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। साथ में आपने ली एक बाइट चटनी की खूब सारी, फिर थोड़ी उसमें डाली दाल, फिर डाला थोड़ा प्याज और थोड़ी मिर्ची ऐसे। अर्ज किया है, जल्दी से रोकी भैया का मुंह बंद है, अर्ज किया है, अर्ज किया है। ढाबे का खाना होता है बड़ा इंटरेस्टिंग, मसालों के साथ एंड फुल ऑफ टेस्ट, लेकिन एक्चुअली रियल टेस्ट का है राज, क्योंकि सब चीज के साथ आपको मिलता है फ्राइड मिर्ची और प्याज। यार ये तो बोल दे अच्छा था यार। सॉरी यार, दिल से माफ कीजिएगा, सॉरी यार।